कांग्रेस के अभय दुर्ग माने जाने वाले हलोली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रोफेसर राम कुमार ने दलबल सहित अपना नामांकन पत्र भरा। हरोली विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस सरकार में उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र है। प्रोफेसर राम कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ अपने गृह गांव पलकवाहा से हरोली तक विशाल रैली निकाली और इसके बाद एसडीएम हरोली दिलराम दीमान के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन भरने के बाद राम कुमार ने हरोली में जनसभा को संबोधित भी किया। मीडिया के साथ बातचीत करते हुए राम कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में हरोली नशा खनन और शराब माफिया से घिर गया है। उनकी प्राथमिकता रहेगी कि हरोली को एक मॉडल विधानसभा क्षेत्र बनाया जाए। मेरा सबसे जो बढ़िया रहेगी, सबसे ज़्यादा प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि हरोली विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को नशों से दूर रखना और उनको नौकरियां दिलवानी और हमारी इंडस्ट्री, जो हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर होते हुए यहाँ के हरोली को जो नहीं चला सके, सारी इंडस्ट्री को चलाना ताकि हमारे यहाँ के बच्चों को रोजगार मिल सके, ये मेरी प्राथमिकता है। जी जी, तो क्या आप मानते हैं कि इससे कहीं ना कहीं जो है भाजपा को भी नुकसान? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा इससे कोई नुकसान। तो क्या आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? देखो, जब भी कभी कोई मैदान में जाता है, अपने उसके दिल में उसके सपोर्टर जो होते हैं, मेन तो वो है, सब में जोश होना चाहिए। तो हम अपने जोश के साथ, अपने सपोर्टर के साथ मैदान में उतर रहे हैं, बाकी जो भगवान करेगा, जो हरोली की जनता करेगी, हमें स्वीकार है। वहीं नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन हरोली में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। भाजपा का टिकट न मिलने के कारण खफा हुए भाजपा नेता रविंद्र मान ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। मान ने कहा कि समर्थकों के कहने पर उन्होंने अपना नामांकन भरा है। मान ने कहा कि हरोली को नशा मुक्त बनाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। जो मुद्दे पिछले 5 वर्षों से हरोली की जनता और मेरी पार्टी के लोग, मैं स्वयं उठाता आया हूं, वही हमारी प्राथमिकता है। उन समस्याओं का समाधान ढूंढना और जो कठिनाइयां हैं, जो परेशानियां हरोली की जनता ने 5 सालों झेली हैं, उनको दूर करना, ये मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपको मालूम है कि हरोली में पिछले 5 वर्ष से माफिया राज चल रहा है और 5 वर्षों में जहां एक तरफ चिट्टा माफिया तो दूसरी तरफ रेत माफिया और अब तीसरा एक और माफिया शराब माफिया हरोली में जिस प्रकार से फैला है, इस माफिया राज को और माफिया से जुड़े लोगों को यहां से भगाना और हरोली को माफियाओं से मुक्त करवाना, ये भारतीय जनता पार्टी की और मेरी प्राथमिकता है।